हाउ टू इम्प्रूव पर्सनैलिटी। पॉइंट नंबर वन, अपने आसपास के लोगों को पसंद करें। ये बात तो आपको एक्सेप्ट करनी ही होगी कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इंसान को लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि उस इंसान में आपकी वो चीज़ या वो आदत नहीं है जिसकी आप उम्मीद रखते ही कि हर इंसान में होनी चाहिए, तो इस तरह से आपको इस दुनिया का हर इंसान बुरा ही लगेगा। यकीन मानिए, लोगों को लाइक करना, उनके साथ में अच्छा बिहेव रखना और पेरेंट्स से बात करना भी आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। पॉइंट नंबर टू, हर इंसान से सीखें। जब आप किसी भी नई जगह पर जाते हैं, जैसे कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, कंपनी एट्सेट्रा, तो हो सकता है वहाँ पर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओ, और ये नॉर्मली हर इंसान के साथ में होता है। तो इसके लिए आपको उस नई जगह के लोगों से बातों वहाँ के एनवायरनमेंट को सीखना होगा, वहाँ के लोगों की पर्सनैलिटी से सीखना होगा। पॉइंट नंबर थ्री, एक अच्छे लिसनर बने। ये चीज़ आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। आपको यह आना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति को बोलते हुए अच्छे से कैसे सुने और कैसे अपना बॉडी लैंग्वेज एक्ट करें कि आगे वाले को लगे कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। इस दुनिया में हर इंसान को चाहिए होता है कि कोई उसकी बात को ध्यान से सुने। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ज़रूर आपके रिलेशन अच्छे बनने शुरू होंगे और आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी फ़र्क दिखने लगेगा। पॉइंट नंबर फोर, अपना न समझें। हो सकता है आपसे बड़ा या छोटा भी आपकी पर्सनैलिटी में कुछ कमियां आपको आपके मुंह पर कह दे, तो ऐसे स्थिति में उस पर्सन से बहस और झगड़ा करने के बजाय उसे थैंक्स करें और अपनी उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर फाइव, ड्रेसिंग जगह के मुताबिक पहने। वैसे तो इवेंट, वेडिंग एट्सेट्रा पर जाते वक्त सभी लोग अपनी ड्रेसिंग अच्छी रखते हैं और जगह के मुताबिक ही रखते हैं, पर क्या तब आप अपने आप को वेल ड्रेस में रखते हो जब कोई आपसे बिजनेस मीटिंग करने आता है? नहीं, तो इसकी आपको वैल्यू समझनी होगी, क्योंकि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, जो आपकी पर्सनालिटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। पॉइंट नंबर सिक्स, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन सुधारें। ये हर जगह पर काम करता है, जैसे ऑफिस, कंपनी, कॉलेज, इवेंट्स एट्सेट्रा। अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो इससे आपका लेवल दिखता है। थैंक यू।